वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉरम। आज का वीडियो यूरोडोप सीरीज पे बेस्ड है। यूरोडोप सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यूरोडोप का 1.59 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। एन एरोस्टैट ऑफ मास एम स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। डिटर्मिन द बैलेंस्ड मास टू बी डम्प्ड फॉर द एरोस्टैट टू रीच द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, द एयर ड्रैग इज टू बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो है कि एरोस्टैट होता क्या है, राइट? एरोस्टैट का हमारा जो यहाँ कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, वो एक बलून होगा और उस बलून के साथ है ना, उस बलून के साथ एक मास अटैच होगा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मास, है ना। इसका जो पर्पस होता है, इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि बलून जो है जब ये मूव करेगा ड्यू टू बॉयंट फोर्स जो इस पर लगेगा, जो बॉयंट फोर्स इस पर लगेगा, तो बलून के मोशन को एक तो ये गाइड करता है बैलेंस मास, एट द सेम टाइम बलून के मोशन को एक स्टेबिलिटी भी देता है। ठीक है, तो बैलेंस मास का जो काम है वो है इसको एक गाइडेड मोशन देना, राइट? तो ये मेरा बैलेंस मास है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है कि जो इनिशियल सिचुएशन है वो है कि ये जो एरोस्टैट है, ये सिस्टम, ये एरोस्टैट हो गया सिस्टम, है ना, और ये बैलेंस मास है एम, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इट इज़ कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, मतलब इनिशियली ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, राइट? और जो सेकेंड पार्ट है वो है कि डिटर्मिन द बैलेंस मास टू बी डम्प्ड फॉर द एरोस्टैट टू रीच द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इस बैलेंस मास से कितने मास को हम बाहर निकाल दें सो दैट कि ये जो बलून है ना, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन से मूव करे विथ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ए से ही मूव करे। जैसे अगर लेट्स से ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जा रहा था बिगिनिंग में, तो अब ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड जाएगा, तो कितना मास यहाँ से रिमूव किया जाए या डम्प किया जाए जिससे इसको अपवर्ड मोशन मिल जाए विथ सेम एक्सेलरेशन ए, राइट? तो जैसे हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे इस सिचुएशन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर एम जी नीचे काम कर रहा है। अच्छा, दोनों ही केस में जो बॉयंट फोर्स होगा वो सेम होगा क्योंकि बलून के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा रही, उसके वॉल्यूम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा रही है, राइट? तो जो बलून का मास होगा, मतलब बलून पे जो बॉयंट फोर्स काम कर रहा होगा वो एज इट इज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम जी इसका नीचे काम कर रहा है, राइट, और इस पे जो बॉयंट फोर्स है वो ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये पहला है, राइट? अब अगर हम लेट्स से कि एम डैश इसे बाहर निकाल देते हैं, राइट, तो इन दैट केस क्या होगा मेरा मोशन, अगर हम एम डैश मास बाहर निकाल दें, है ना, तो अब जो मेरे पास मास होगा वो होगा एम माइनस एम डैश, नहीं तो एम माइनस एम डैश जो होगा, अच्छा बॉइंट फोर्स मेरा उतना ही रह जाएगा, है ना, और यहां पे जो ये काम कर रहा है ये एम माइनस एम डैश इंटू जी जो होगा ये नीचे काम करेगा, बट अब ये ऊपर मूव कर रहा है, नहीं, हमने एम डैश मास रिमूव कर दिया, यहाँ पर जो एम डैश है ये है बैलेंस मास दैट इज रिमूव्ड, है ना, दैट इज रिमूव्ड। तो अब ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा, तो इसका अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा हमारा एफ बी ऊपर है सो एफ बी माइनस और एम माइनस एम डैश इंटू जी ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम माइनस एम डैश इंटू ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। अब हमें एम डैश निकालना है तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना 1+2 को, क्योंकि यहाँ पे एफ बी को हमें एलिमिनेट करना है, तो सिंपली ऐड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1+2 अगर हम करें, राइट, 1+2 करें, दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे ये एम जी हो गया माइनस एम डैश इंटू जी, और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2m माइनस एम डैश इंटू ए हो जाएगा, राइट?
तो अब फर्दर देखा जाए तो यहाँ पर इसको एक्सपैंड करें तो एम जी माइनस एम जी प्लस एम डैश जी, और यहाँ पर भी एक्सपैंड करें तो 2ma माइनस एम डैश ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब फर्दर रफ करते हैं इसको यहाँ पे, है ना, तो इस जगह है ना, तो अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमें एम डैश चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, सो एम डैश जी प्लस एम डैश ए जो होगा ये 2ma होगा, या यहाँ से एम डैश कॉमन ले लें तो ये जी प्लस ए हो गया, दैट इज 2ma। तो एम डैश जो होगा 2ma बाय जी प्लस ए होगा। तो अगर हम इतना मास रिमूव कर दें इस बैलेंस मास से तो जो इस बलून का जो एक्सेलेरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा विथ सेम मैग्नीट्यूड जो यहाँ था जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था, राइट। सिंपल, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यूरोडोप सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।